तनिए पार्क में सोना मना है। मैं उठना हराम खोर ही बताऊं। अरे क्या हो गया, अपनी मर्जी से अब सो भी नहीं सकते क्या हैं? पुलिस वाले के सामने जबान चलाएगा, अभी अंदर कर दूंगा। अंदर करने का डर आ रहा है, डर आ रहा है, डंडे से डर आ रहा है ना, डर आ रहा है। अरे अरे सिलर से तो बेहतर है तू मुझे मार दे यहाँ पे। मार 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 दे मार ना, मैं तुझसे नहीं डरता। हाँ मैं तुझसे नहीं डरता, ये अल्लाह की जमीन है, मुझे यहाँ सोने नहीं देता तू। पहले सब खा गए, तू भी खा रहा है। सलाम साहब, ये 786 है, सारा झंडी मिक्स है, अपना झंडी चांता फिक्स है। ये चीन है, बड़ा बेदीन है, अमरीका हर तरीका, हर सोल्जर बाजार था ना फिक्स है। लूट लिया सालो तुमने, लूट लिया, कहाँ गए, कहाँ गए? वाह कादिर भाई वाह भाई, क्या कमाल की एक्टिंग की है, क्या जबरदस्त सीन किया है वाह, है ना? ओ भाई इस सीन के बाद ना सेट पे तालियां बज गई थी। आगे सुनो, डायरेक्टर प्राउड ही है, किसी के लिए नहीं उठता। इस सीट से उठा, मेरे पास है और गले लग गया। अच्छा हाँ, जानता है मुझे क्या बोल रहा था? क्या कहता? कादिर भाई तैयारी पकड़ लो। तैयारी? आपको बहुत भारी जिम्मेदारी देने वाला हूं। अरे भारी जिम्मेदारी यार, बड़ा रोल। पिछले 15 सालों से मैं ये बात ही सुन रही हूँ, अल्लाह जाने कब वो डायरेक्टर आपको भारी जिम्मेदारी देगा और कब आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। वैसे कादिर भाई एकदम दिमाग में एक सवाल आया। हाँ पूछो। आपने एक्टिंग कब और कहाँ से शुरू की? मेरा मतलब है कि हमारे खानदान में और आपके खानदान में दूर दूर तक कोई शोबिज इंडस्ट्री में तो नहीं रहा। हाँ अच्छा सवाल है, अच्छा है, बहुत लोग पूछते हैं। अरे यार जावेद, अम्मा को अल्लाह जन्नत नसीब करे यार, ये सब उनकी दुआएं। सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाती थी वो, है? अच्छा बचपन में उस सूजी के हलवे के लालच में हमसे एक्टिंग करवाती है? और हम उस लालच के चक्कर में एक्टिंग करते थे, और फिर एक्टिंग करते गए करते गए करते गए कब जनून बन गया पता ही नहीं लगा। कादिर भाई मैं पूछ रहा था, अगली शूटिंग कब है आपकी? काफी दिन हो गए आपके साथ गया नहीं ना। हाँ अगली, अरे अरे चलेंगे ना यार। अरे चेक तो करना अपने कादिर भाई का स्टाइल सेट पे। अरे उठ उठ के सलाम पढ़ते हैं यार, उठ उठ के चलना जरूर। अरे तौबा करो जावेद, मुश्किल से 2 से 3 सीन तो होते हैं इनके, और वो प्रोडक्शन वाले बेड़ा गर्क जाए उनका, रात रात गए बिठाए रखते हैं। रात रात भर? रात रात भर? अरे आपा ये जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं ना, इनके साथ ऐसा ही सलूक होता है। क्या बोला तुमने? नहीं ये अभी क्या बोला तुमने? जूनियर आर्टिस्ट किसको कह रहे? क्या मतलब जूनियर आर्टिस्ट यार हैं? अरे भाई तुम कौन हो, हो कौन तुम? अरे टीवी देखने से एक्टर नहीं बन जाता कोई। ओ भाई या तो मुझे वो तराजू लाके दिखाओ जिसमें कोई ये तोल सके कि सीनियर कौन है और जूनियर कौन है, है कोई तुम्हारे पास? बात करता है। आप कादिर भाई आप मेरी बात का गलत मतलब समझे, मैं तो बस। और नहीं तो क्या, सही तो कह रहे हो, क्या गलत कह रहे हो तुम जावेद? इनके काम का क्या पता, आज है कल नहीं है, बल्कि 2-2, 3-3 महीने हमें इंतजार करना पड़ता है, राह तकते हैं हम। सीमा ऐसे तो जिंदगी कभी कोई भरोसा नहीं है, तो क्या जीना छोड़ दें हैं, मर जाएं क्या? अरे कादिर भाई कहां की बात कहां ले आए आप। देख जावे ये ड्रामा किसने रचाया है ना मैं सब समझता हूँ, और तुम किसके कहने पे ये सब बोल रहे हो मुझे अच्छी तरह समझ, और मैं बच्चा नहीं हूं, मेरे घर में मेहमान आया हुआ है, तू चुप करा हुआ तेरी इज्जत में, लेकिन सब जानता हूं। कादिर भाई आप बिना वजह मेरी बात पे शक कर रहे हैं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो मैं अपनी कंपनी में आपकी जॉब की बात कर सकता हूँ, जिस दिन आपकी शूटिंग हो उस दिन बेशक आप छुट्टी कर लीजिएगा। अरे
शूट होती ही कितने दिन है इनकी जो ये छुट्टी कर लेंगे। देख सीमा, मैंने तुझे 20 बार मना किया कि मेरे काम के बीच में मत बोला कर, और जावेद खुदा के लिए मेरे मामले में ना पड़ यार, ना पड़। क्या जरूरत है तुझे, मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ, खुदा का वास्ता दोबारा ऐसे ना करना वरना अच्छा नहीं होगा। मैं हर वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा,